Timre Bol Murdabad! 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 शहर नूं इह निजात दिलाउण वास्ते मैं तुहाडे राही इह आवाज़ जिहड़ी है सरकार दे सीवरेज बोर्ड दे गुंगे ते बहरे कन्नां तक पहुँचाउण वास्ते तुहाडा सहयोग मंगिया और मैं मंग करदा अगर दो दिनों के अंदर अंदर इह शहर दे हालात ना सुधरे तो आपां इस दा धरना जिहड़ा है गांधी चौंक दे अंदर बैठ के इह सरकार दा आधार सीवरेज बोर्ड दा पिंड स्यापा करांगे। असी ये बेनती करना चाहते हैं नगर कौंसल नूं भी इत्थे भी किसी तरह की दूषण ब्याजबाजी ना की जाए, आपां एक दूजे का सहयोग करिए क्योंकि शहर की साफ सफाई का जिहड़ा जिम्मा है वह नगर कौंसल का है। ये नगर कौंसल अपने पार्ट ते अपना रोल सही तरीके अदा करे। असी अपनी टीम जिहड़ी साडी ते निरंतर लगी हुई है जी। गुरदासपुर जिले के शहर बटाला का सीवरेज बोर्ड अक्सर चर्चा में रहता है। श्री गुरु नानक देव जी के शादी पर्व पर गटर ने मासूम गुरनूर की बलि भी ले ली थी। जनता ने नगर कौंसिल और सीवरेज बोर्ड पर ठीकरा फोड़ा, पर हालात आज भी नहीं सुधरे। नगर कौंसिल के प्रधान नरेश महाजन सीवरेज बोर्ड को चेतावनी देते हुए नजर आए और वहीं सीवरेज बोर्ड के SDO हरप्रीत सिंह नगर कौंसिल प्रधान को मशवरा देते नजर आए। बटाला के बहुत सारे इलाकों में गटरों से उबाल मार रहा गंदगी और बीमारियों से भरा यह जहरीला पानी सड़कों पर नहर की तरह बह रहा है। शहर के पांच इलाकों में बिना ढक्कनों के गटर किसी भी मासूम को निगल सकते हैं या कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। स्कूल, मंदिरों और गुरुद्वारा जाने के लिए लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। इस मौके भाजपा के MC नगर कौंसिल प्रधान नरेश महाजन की अगुवाई में इकट्ठा हुए। प्रधान ने खराब सीवरेज पर नाली का जिम्मेदार SDO सीवरेज बोर्ड को बताया और उन पर मिली भुगती का इल्जाम भी लगाया। दो दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि अगर सीवरेज नहीं खुले तो बड़ा संघर्ष होगा। आज लगातार काफी समय तो सीवरेज बोर्ड दे नेगलिजेंसी कारण शहर नक्शे डूबिया पिया और हैरानी की गल है कि लंबे समय तो जैटिंग मशीन जी म्यूनसिपल कमेटी ने इन्हों हैंडओवर की है सीवरेज बोर्ड में, वो लंबे समय तो अज एक्सीएन साहब ने आप खुद मनिया कि वह लंबे समय तो खराब पई है और उन्होंने मैं गल कही है भी अज के युग के अंदर अगर लंबे समय तो मशीन खराब पई है तो थोड़ी नैगलीजेंसी है और थोड़े से जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए है। क्यों खराब पई है? क्योंकि कोई भी पार्ट अज जरा ऑनलाइन एक दिन के अंदर मंगा के सारा ठीक कराया जा सकता। अगर एक बगड़ मशीना थानू दी और लंबे समय तो बगड़ मशीना जड़िया रोटेशन के अंदर ना चलन करके अज शहर के अंदर सीवरेज का इन्नी बुरी हालात है कि जिते अं खड़े हाँ खास करके इन्नी बदबू फैली पई है। गर्मी का मौसम है, कोई भी महामारी फैली और कोई भी गंदगी दे नाल इत्थे जानलेवा बीमारियां फैलिया उहदी जिम्मेवार सरकार ते सीवरेज बोर्ड होएगा क्योंकि बटाला वासी इस गल कतई भी हुण बर्दाश्त करन नूं तैयार नहीं है कि सरकार इहदे ढुकवे प्रबंध करे और सीवरेज बोर्ड जिहड़े ठेकेदार नूं ठेका दिता जादे उहदे नाल उहनां दी मिली भुगतदा और क्योंकि सीवरेज बोर्ड के ठेकेदार नाल भी और SDO और JEE सब नाल लगातार मतवादर मेरी गल जा रही है। किसी के कन्नां ते जू नहीं रेंग रही और कहा जा रहा भी अज का दिन रुक जाओ, अज का दिन रुक लो। अज फिर मजबूर हो गए सारे इलाकों ने जो ये गल की समस्या नूं शहर वासियों ने मेरे नाल रोज़ दा प्रगटावा किया तो इस करके मैं समझना कि शहर नूं ये निजात दिलाउण वास्ते मैं तुहाडे राही ये आवाज़ जिहड़ी है सरकार दे सीवरेज बोर्ड दे गुंगे ते बहरे कन्नां तक पहुँचाउण वास्ते तुहाडा सहयोग मंगिया और मैं मंग करदा अगर दो दिनों के अंदर अंदर ये शहर के हालात ना सुधरे तो आपां इस दा धरना जिहड़ा है गांधी चौंक के अंदर बैठ के ये सरकार दा आधार सीवरेज बोर्ड का पिंड स्यापा करांगे। अज आ जिहड़े रस्ते ते असीं खड़े हाँ जिते तुसीं एक नहर का रूप धारण की सड़क देख रहे हो, ये सड़क में कम से कम 8 to 10 ऐसिया कलोनियाँ पॉश कलोनियाँ लगदियाँ जी शहर के बहुत ही मतलब जिन्होंने कह लो कि बहुत ही समायदार लोग रहिंदे ने उहदे नाल नाल ही इस जगह पर घट्टो घट्ट 2 मंदिर ने और मेन गल जिहड़ी अपने गुरु नानक देव जी का कंध साहब का गुरद्वारा वा वह भी इसे रस्ते तो ही जाता पर उहदे बावजूद भी इस सड़क तो लोगों का जिहड़ा लंघना माहौल हो गया उहदा कारण सीवरेज बोर्ड आ और सीवरेज बोर्ड नूं बार बार कहण दे बावजूद भी उन्होंने जू नहीं रेंग रही है। कल्ली किसी सिर्फ एक सड़क का ही हाल नहीं है, ये पूरे बटाले च ही जिन्नियां गलियां और जिन्ने बाजार ने हाँ इन्हों इतने काफ़ी स्कूल लग रहे हैं और ये 4 स्कूल सामने 2 स्कूल सामने और इस साइड का भी स्कूल है, बच्चों का आना जाना तो मुश्किल है।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ? ਇਹ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਰਹੇ ਔਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਢੱਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। वही सीवरेज बोर्ड के SDO का कहना है कि नगर कौंसिल के सफाइयों के प्रबंधों में कोताही के चलते गटरों में प्लास्टिक का सामान जाने से सीवरेज जाम हो रहे हैं। उनकी टीम दिन रात काम कर रही है और नगर कौंसिल प्रधान आरोप लगाने की जगह अपना फर्ज अदा करें, सफाई पर ध्यान दें तो सीवरेज जाम नहीं होंगे। बटाला शहर दी सीवरेज दी जिहड़ी है महकमा है जिहड़ा अपना साडा जी दिन रात सतर्क है, दिन रात पूरी मेहनत नाल काम कर रहे जी, साडे वल्लों कोई ढिल नहीं है। ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲੋਕ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣ ਵਿਆਜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਨਿਊਜ਼। ਅਗਰ ਆਪ ਹਮੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪੇਜ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇ ਜਾਕਰ ਸੀ ਫਸਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਹਮੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਕੋ ਅਭੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਦਬਾਏ ਜਿਸ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਲੀ ਸਭੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕੋ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।